हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, इस वर्ष कोलकाता के दुर्गा पूजा में काफ़ी धूम होने वाली है, तो आप लोगों के लिए लेके आए हैं 11 बेस्ट पंडाल जो कि 2024 में कोलकाता के दुर्गा पूजा में बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, 11 नंबर पर है गरिया पंचा दुर्गा पूजा। तो इस बार गरिया पंचा दुर्गा पूजा में वृंदावन के चंद्रदेव मंदिर को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि यह वृंदावन के चंद्रदेव मंदिर दुनिया का सबसे ऊँचा मंदिर है और यह दुनिया का सबसे महंगा मंदिर है, जो कि आप लोगों को इस बार कोलकाता के दुर्गा पूजा में पंडाल के रूप में देखने को मिलेगा। और नंबर 10 पर है कल्याणी A9 स्क्वायर पार्क, और इस बार कल्याणी A9 स्क्वायर पार्क में अक्षर मंदिर को प्रदर्शित किया जाएगा और यह अक्षर मंदिर को गुलाबी सफेद और संगमरमर बलुआ पत्थरों के मिश्रण से बनाया गया है। इस मंदिर को बनाने में स्टील लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था, तो यह मंदिर आप लोगों को पंडाल के रूप में देखने को मिलेगा। और नंबर 9 पर है पानशिला ठाकुरबाड़ी सोदपुर, और इस बार पानशिला ठाकुरबाड़ी सोदपुर में राजस्थानी महल को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि यह राजस्थान जयपुर से लिया गया है और इस बार कोलकाता के दुर्गा पूजा में और यह दुर्गा पूजा में पंडाल के रूप में आप लोगों को राजस्थानी महल देखने को मिलेगा। नंबर 8 पर है एक डलिया एवरग्रीन क्लब, और इस बार एक डलिया एवरग्रीन क्लब में जगन्नाथपुरी मंदिर को प्रदर्शित किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में भगवान कृष्ण को भगवान जगन्नाथ के रूप में माना जाता है और इस बार आप लोगों को कोलकाता के दुर्गा पूजा में जगन्नाथपुरी मंदिर को पंडाल के रूप में देखने को मिलेगा और यह बहुत ही भव्य पंडाल होगा। नंबर 7 पर है कल्याणी रथ टोला दुर्गा पूजा, और इस बार कल्याणी रथ टोला दुर्गा पूजा में वृंदावन के प्रेम मंदिर को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि इस बार आप लोगों को कोलकाता के दुर्गा पूजा में प्रेम मंदिर को देखने को मिलेगा पंडाल के रूप में, जो कि भव्य और अनोखा पंडाल होने वाला है। नंबर 6 पर है आगरपाड़ा तारापुर, और इस बार आगरपाड़ा तारापुर में थाईलैंड के ब्लू टेम्पल को प्रदर्शित किया जाएगा और यह ब्लू टेम्पल थाईलैंड के चियांग राय में स्थित एक मंदिर है, जो कि अपनी अद्भुत आधुनिक कला डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो कि इस बार आप लोगों को कोलकाता के दुर्गा पूजा में पंडाल के रूप में देखने को मिलेगा और यह पंडाल बहुत ही भव्य और यूनिक पंडालों में से एक होने वाला है, जो कि कोलकाता के दुर्गा पूजा में देखने को मिलेगा। नंबर 5 पर है जीरत आदि बारोबारी, और इस बार जीरत आदि बारोबारी में कतर के मून को प्रदर्शित किया जाएगा। यह कतर मून होटल के रूप में प्रदर्शित है, जो कि इस बार कोलकाता के दुर्गा पूजा में पंडाल के रूप में देखने को मिलेगा। नंबर 4 पर है कॉलेज स्क्वायर दुर्गा पूजा, और इस बार कॉलेज स्क्वायर दुर्गा पूजा में स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि हर साल कॉलेज स्क्वायर दुर्गा पूजा में अनोखे पंडाल बनाए जाते हैं और इस बार स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि बहुत ही अनोखा और भव्य पंडाल होने वाला है। और नंबर 3 पर है श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब, और इस बार श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में तिरुपति बालाजी टेंपल को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि हर साल भव्य पंडाल बनाया जाता है, जो कि पिछले वर्ष श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब में हांगकांग के डिज्नीलैंड को बनाया गया था और बहुत ही खूबसूरत से बनाया गया था। और नंबर 2 का पंडाल बहुत ही भव्य पंडाल है, और नंबर 2 पर है कल्याणी ITI मोर दुर्गा पूजा। कल्याणी ITI मोर दुर्गा पूजा में इस बार वरुण टेंपल को प्रदर्शित किया जाएगा। वरुण टेंपल, जिसे डोन का भी मंदिर कहा जाता है, यह थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है, जो कि भव्य और यूनिक थीम में से एक है और यह थीम कोलकाता के दुर्गा पूजा में देखने को मिलेगा। नंबर 1 संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा, और इस बार संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा में लांस बेगांस स्पीयर को प्रदर्शित किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा फुल स्क्रीन एरिना है, जो पूरी तरह से एक विशाल LED स्क्रीन से घिरा हुआ है। यह तकनीकी न केवल दर्शकों के अनुभव को बढ़ाती है, बल्कि इसे खेल आयोजन के लिए एक आदर्श स्थल भी बनाती है, जो कि आप लोगों को इस बार कोलकाता के दुर्गा पूजा में लांस बेगांस स्पीयर को देखने को पंडाल के रूप में मिलेगा। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कोलकाता के दुर्गा पूजा के पंडालों में बहुत ही भव्य और अनोखा डिजाइन देखने को मिलेगा, और हर साल संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा टॉप में रहा है और इस बार भी टॉप में ही रहेगा।